लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला पेजर और वॉकी टॉकी अटैक से बेहाल है। उसने आरोप लगाया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस पूरे कांड को रचा है। दोनों हमलों में कम से कम 30 लोगों की मौत और 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच इसराइल पर साइबर अटैक की खबर है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट है कि आधी रात को अचानक इसराइलियों के फोन बजने लगे, उन पर इमरजेंसी मैसेज दिखने लगा। मैसेज में इसराइलियों को सुरक्षित जगह भाग जाने के लिए भी कहा गया था। इस तरह के हजारों मैसेज मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसराइली अधिकारी इस तरह के मैसेज की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरानी हैकर्स द्वारा प्रायोजित घटना हो सकती है। वहीं इसराइली मीडिया का कहना है कि बुधवार देर रात देश भर के इसराइलियों को आपातकाल अलर्ट में फर्जी मैसेज मिले, जिनमें उनसे कहा गया कि वो जहां हैं वहां से चले जाएं और किसी सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं। संदेश के व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद KAN न्यूज का कहना है कि इस संभावना की जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या ईरान का हाथ है। इजरायली सेना का बयान, वहीं इजरायली सेना IDF ने इस तरह के मैसेजेस को फर्जी करार देते हुए कहा कि उन्होंने इजरायलियों को इस तरह का कोई संदेश नहीं भेजा, ये साइबर अटैक हो सकता है। IDF के बयान में कहा गया, आपातकालीन घोषणा वाला मैसेज हमारी ओर से नहीं किया गया, होम फ्रंट कमांड की रक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बुधवार आधी रात को कई इजरायलियों को आपातकालीन जो मैसेज प्राप्त हुआ, वो मैसेज क्या था हम आपको सुनाते हैं। मैसेज की हेडलाइन में लिखा था OREF अलर्ट, हिब्रू भाषा में ये होम फ्रंट कमांड की तरह है। बताया जा रहा है कि इजरायलियों ने इस मैसेज को IDF का समझ लिया और अफरा तफरी वाली स्थिति पैदा हो गई। इजरायलियों को प्राप्त हुए टेक्स्ट संदेश में एक लिंक था और उसके ऊपर गलत वर्तनी में लिखा हुआ था, आपको सुरक्षित क्षेत्र में जाना होगा। गौरतलब है कि इसराइल पर साइबर हमले की खबर लेबनान में लगातार 2 दिन पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों में मारे गए 20 से अधिक लोगों की जान जाने के बाद आई है। हिजबुल्ला के अधिकारियों के मुताबिक बेरूत और दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में लोगों के जेब में रखे पेजर में अचानक विस्फोट होने लगे। लेबनान मंगलवार को हुए इस हमले से संभला भी नहीं था, तभी अगले दिन बुधवार को वॉकी टॉकी विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई। इन दोनों हमलों के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक भी भरा हुआ था।